Yes, student, question number 5. In this question, a family of circle with touch the coordinate axis. Question is, form the differential equation of the family of circle in the first quadrant. First quadrant होना चाहिए, which touch the coordinate axis. तो आप इसकी radius a ले लो, center a comma a हो जाएगा, और इसकी equation हो जाएगी x minus a whole square plus y minus a whole square equal to a square. अब इसको differential करना है, 2 x minus a plus 2 y minus a y का हो जाएगा y बार is equal to a square का हो गया 0 because it is constant 2 common ले लो और 0 के आप नीचे ले लो तो x minus a plus y minus a and y बार is equal to 0 बेटा इसको एक बार और डिफरेंशियल तो कर नहीं सकते बट अभी भी ये प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी नहीं है क्योंकि इसके अंदर a अभी भी अवेलेबल है इस a को सबसे पहले हमें क्या करना है रिमूव करना है इसके लिए हम क्या करेंगे सिंपलीफाई x minus a plus y y1 minus a y1 is equal to 0 मुझे a को एलिमिनेट करना बाकी सब उधर कैसे या ऐसा करो y y1 ये a plus a y1 हम क्या करते हैं इस a को और a y1 को राइट साइड भेज देते हैं a 1 plus y 1 and x plus y y 1 this equals to a x plus y y 1 upon 1 plus y 1 अब बेटा इस a की वैल्यू इस फर्स्ट रिलेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं from equation first x minus a x minus a a की वैल्यू है x plus y y1 upon 1 plus y1 whole square plus y minus a means y minus x plus y y1 upon 1 plus y1 whole square y1 मतलब क्या हो गया डिवाइड अपॉन dx इक्वल्स टू a स्क्वायर a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू पड़ी x प्लस y y1 अपॉन 1 प्लस काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है एग्जाम आते हैं तो हमें परेशानी होती है इसका आप एलसीएम ले लें 1 प्लस y1 x प्लस x y1 माइनस बेटा ये दोनों सेम है तो ये तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगी पर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस y1 y प्लस y y1 माइनस x minus y y1 whole square and x plus y y1 1 plus y1 whole square इधर सीरियसली देखना इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है ये x और ये x कैंसिल फाइनली x y1 minus y y1 whole square upon 1 plus y1 whole square plus यहां पर देखें y y1 both are cancelled means y minus x upon 1 plus y1 a square or a square is equal to x plus y y1 upon 1 plus y1 a square or b square अब ये denominator value क्या होगा common आके cancel हो जाएगी तो finally ये आपको मिल जाएगा x y1 minus y y1 whole square plus y minus x whole square is equal to x plus y y1 whole square अब इसमें एक काम करो ये y है ना ये y होगा इसमें क्या होगा y1 और y1 कॉमन आ जाएगा तो स्क्वायर तो ऊपर है ही दिस इज x minus y और इसका माइनस इधर मैं बाहर लूं तो क्या रहेगा प्लस ही रहेगा ऊपर स्क्वायर है इसलिए x minus y का whole square is equal to x plus y y1 whole square अब x minus y दोनों में है इसका square है तो x minus y का whole square पूरे में common remaining value is y1 square n plus 1 this equals to x plus y y1 whole square ये आपके पास में required differential equation हमारे को achieve हुई है
क्वेश्चन नंबर 6 dy upon dx plus root 1 minus y square upon 1 minus x square is equal to 0. तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए dy upon dx is equal to minus 1 minus y square upon 1 minus x square. अब वेरिएबल सेपरेशन कर लो, तो 1 upon root 1 minus y square dy is equal to minus 1 upon root 1 minus x square और ये dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सिंपल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x एंड प्लस c, इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था. तो अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में शो दैट जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई अपॉन डीएक्स 7 डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और इसके अंदर पॉइंट दे रखा है सी के लिए, नहीं, पैरामीटर्स में दे रखा है ए पैरामीटर में इसको सिंपलीफाई करना है. तो सबसे पहले एक बात सोचो कि भाई इसको ना पहले राइट साइड ले लो, तो डीवाई अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डीवाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये डीएक्स, कर लो इंटीग्रेशन. इसके बाद में 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई, देखो इसको प्रोपेंसर रहा है तो इसके कोफिशियंट को ले आप, इसका कोफिशियंट कितना है 1 का हाफ करो, 1 बाय 2 का स्क्वायर करो, 1 बाय 4 इतना ही आप सब्ट्रैक्ट कर दो dy. सिमिलरली यहां पर भी सेम कंडीशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 माइनस 1 बाई 4 एंड dx. फाइनली ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है बेटा, परफेक्ट से बढ़ाओ इसको, y प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 बाई 4 मीन्स 3 बाई 4 एंड dy. अब इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 बाय 4 एंड dx. अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया इसका, किसका फॉर्मूला है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर नहीं ना, तो इसको आप सिंपलीफाई में नेक्स्ट स्क्वायर लिख सकते हो, 1 अपॉन y प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर और रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर dy माइनस 1 अपॉन x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर ऑफ ये dx. तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा इसके अंदर, tan इनवर्स वाला, 1 अपॉन a एंड tan इनवर्स x अपॉन a मतलब y प्लस हाफ रूट 3 बाई 2 माइनस 1 by root 3 by 2 and tan inverse x upon a is x plus half and root 3 by 2 and plus c. बेटा आप देखो, अब है ना इस वैल्यू को इधर ले आते हैं और ये root 3 by 2 ना सभी के अंदर इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके c के साथ कनेक्ट कर देंगे इसको, तो tan inverse यहां पर आ जाएगा 2y plus 1 LCM ले लिया और ये रूट थ्री टू टू अपॉन वाले कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से जो प्लस में आ जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन एंड रूट थ्री, कैसे पता चला भी कैसे हुआ, इसका एलसीएम लेंगे तो टू एक्स आ जाएगा प्लस वन और एलसीएम और ये टू कैंसिल हो जाएगा और सी के साथ चला जाएगा ये टू अपॉन रूट थ्री इंटू सी, इसको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया. तो अब देखो 2 अपॉन रूट 3 इंटू सी की क्या है, 2 अपॉन रूट 3 इंटू सी,
अब बेटा इसमें एक सिंपल सी दिखती बात है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, टू वाई प्लस वन अपॉन रूट थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री इंटू सी। बेटा देखो ये जो ना अभी टेन को यहाँ पर अननेसेसरी रखे हैं, यहाँ पर इस टेन को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और रूट थ्री का इसमें एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है एलसीएम बेटर रहेगा इसके अंदर, और यहां पर कितना आ जाएगा ये थ्री आ जाएगा, तो दिस इज रूट थ्री टू वाई प्लस वन एंड टू एक्स प्लस वन और बीच में क्या है साइन, बीच में साइन है प्लस का अपॉन ये हमारे पास रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा एंड थ्री माइनस टू वाई प्लस वन एंड टू एक्स प्लस वन ओके एंड दिस इक्वल्स टू टेन इस तरफ शिफ्ट किया हमने तो ये टेन टू अपॉन रूट थ्री इंटू सी ये आपके टेन की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। अब हम इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई स्ट्रॉन्ग करेंगे, सिंप्लीफाई अपना बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर हमारा सिंप्लीफाई स्ट्रॉन्ग नहीं है ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आपको तो बहुत केयरफुल। देखो ये वैल्यू क्या होगी ऐसी प्रॉब्लम होगी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, थोड़ा और रिमूव कर देता हूं तो क्या मिलता है देखो टू वाई प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन एंड अपॉन रूट थ्री इंटू थ्री ऊपर आ जाएगा पैसे लोग ओके तो थ्री माइनस टू वाई प्लस वन एंड टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टेन ऑफ टू सी अपॉन रूट थ्री ये आपके कैंसिल हो गए रूट थ्री और ये थ्री स्क्वायर रूट थ्री then this implies that 2x plus 2y 1 or 1 will be and this is root 3 and iska beta simplify kar le 3 minus dekho 2y and 2x this is 4xy and minus 2y minus 2x and minus 1 this equals to tan of 2c upon root 3 इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो वैल्यू आएगी x प्लस वाई प्लस 1 एंड दिस इज 2 रूट 3 अपॉन 3 एंड माइनस 1 2 माइनस 4xy एंड माइनस 2y 2 माइनस 4x माइनस 2y एंड माइनस का 2x इक्वल्स टू tan 2c अपॉन रूट 3 2 इसमें से भी कॉमन आ रहा है देन फाइनली x प्लस y प्लस 1 2 रूट 3 अपॉन 2 कॉमन ले लें 1 माइनस 2xy minus y and minus x is equal to tan 2c upon root 3 इस 2 से 2 कैंसिल कर दें root 3 को अपॉन में भेज दें ठीक है ना root 3 इसमें क्या करेंगे अपॉन में भेज देंगे तो मेरे पास आ जाएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें x plus y plus 1 is equal to रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री बन जाएगा टेन टू सी अपॉन रूट थ्री एंड ये वाले क्रॉस मल्टीप्लाई जाएंगे तो वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स है ये आंसर है थोड़ा ये वैल्यू जो है ना ये पूरी पूरी कांस्टेंट है तो इसको किस कांस्टेंट को कोई भी लेगा ए बी या कुछ ले रहे ए एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू
कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मुझे प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स, ये आपके पास प्रूव हो गया। ओके, एनी डाउट? दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, और पॉइंट दे रखा 0 पाई बाई 4। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट, कॉस एक्स साइन वाई डी वाई साइन एक्स कॉस वाई एंड डी एक्स, अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये डी एक्स इंटीग्रेशन। अब साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस टेन एक्स डी एक्स, और टेन का इंटीग्रल लॉग ऑफ sec y इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ sec x, 0 से पाई बाई 4 है, और प्लस लॉग c दे दो सारे लॉग में, इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर, लॉग ऑफ sec y प्लस लॉग ऑफ sec x इक्वल टू लॉग c, लॉग m इंटू n अप्लाई कर सकते हैं, sec x एंड sec y इज इक्वल टू log c, log रिमूव कर लें, sec x sec y इज इक्वल टू c, फर्स्ट इक्वेशन। पॉइंट दे रखा है मेरे को 0 से पाई बाई 4, ये आप इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू तो हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई पाई बाई 4 इज इक्वल टू c, sec 0 1 और sec पाई बाई 4 कितना होता है रूट टू इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आगे मेरे पास ओनली टू है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, देन sec x इनटू sec y इज इक्वल टू रूट, आंसर आपके पास है। और अगर कॉस में चेंज करना चाहते हो तो कॉस में चेंज कर दो, 1 अपॉन cos x इनटू 1 अपॉन cos y इज इक्वल टू रूट, तो आप इसे क्या करोगे, एक को sec में रख लो और एक को cos में रख सकते हैं, और नहीं तो ये भी ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा रूट टू cos y और 1 अपॉन cos x, रूट टू को अपॉन में लेगा तो आपके बुक का आंसर मैच हो जाएगा, बस cos y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू इंटू 1 अपॉन cos x या sec x कर दो आंसर, ठीक है ना, ये आपके पास इसका आंसर मैच हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास में, 1 प्लस e टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इंटू टू द पावर x और dx, सिंपल सा वेरिएबल सेपरेशन दिखना है मेरे को, 1 प्लस e की पावर 2x dy इक्वल टू माइनस 1 प्लस y स्क्वायर dx और dx, कर ले वेरिएबल सेपरेट, 1 प्लस y स्क्वायर dy माइनस e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर 2x और dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसमें तो हम क्या करेंगे, लेट e टू द पावर x इक्वल टू t, तो ex dx इक्वल टू dt, सिंपल, देन इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस, ये तो कंप्लीट डिटेल मेथड हो गया, 1 प्लस ये t स्क्वायर इक्वल टू 2x है ना, t स्क्वायर लगाओ इंटीग्रल, ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स t और प्लस c, इसको जो शिफ्ट कर दो, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इज इक्वल टू c, और t की वैल्यू tan इनवर्स y प्लस tan t की वैल्यू कितनी, e टू द पावर x c,
अब क्या करेंगे इसमें, अब c की वैल्यू अचीव करेंगे, तो इसमें पुट x की वैल्यू तो मेरे को देख के 0 और y की वैल्यू देख के 1 रखो देखें, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e की पावर 0, e की पावर 0 कितना हो जाएगा बोलो बेटा 1 इक्वल टू c, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 दिस इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू c, मीन c की जो वैल्यू आएगी वो अभी मेरे पास 5 है। फाइनल आंसर मेरे पास tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू दी पावर x इक्वल टू 5 बाय 2, ये इसका आंसर है जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 10, y e टू दी पावर x अपॉन y dx इक्वल टू x e टू दी पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर इनटू dy, कंडीशन है y नॉट इक्वल टू 0, भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, इसने खुद ने बोल दिया x अपॉन y है तो हमें कुछ भी दूसरा करने के राइट्स नहीं है, इसको सिंपली अपन dx अपॉन dy में कन्वर्ट कर दो, x ये खुद ही बोल रहा है y स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू पावर x अपॉन y, सिंपल सा है, होमोजेनियस फॉर्म बदला कंसीडर कर लो इसमें, लेट x अपॉन y इक्वल टू v, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा vy, डिफरेंशियल कर लो dx अपॉन dy इक्वल टू v y का वर्ग प्लस y पड़ा है v का हो जाएगा dv अपॉन dy, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड, ये वैल्यू इसमें अब शिफ्ट कर दो आप, v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू वैल्यू किसी रखनी x की, vy x अपॉन y से v आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन सॉरी y स्क्वायर अपॉन y e टू दी पावर ab, y कॉमन ले लो, v e टू दी पावर v प्लस y अपॉन y एंड e टू दी पावर b, y से y कैंसिल, फाइनली y dv अपॉन dy इज इक्वल टू v e टू दी पावर v प्लस y अपॉन e टू दी पावर b माइनस v, टेकिंग एलसीएम y dv अपॉन dy इज इक्वल टू e टू दी पावर v v इंटू e टू दी पावर v प्लस y माइनस v इंटू e टू दी पावर v, दिस एंड दिस वॉज कैंसल, अब तो क्या है बहुत सिंपल हो गया आपके सामने, y dv अपॉन dy एंड y अपॉन e टू दी पावर v, y से y कैंसिल और e टू दी पावर v dv इज इक्वल टू dy, वैल्यू का सेपरेशन आ गए ev का ev ये y और c, e टू दी पावर v की वैल्यू कितनी है x अपॉन y इज इक्वल टू y प्लस c, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बेटा एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम का समझता है कि x अपॉन y में कितने चले जाते हैं, तो x अपॉन y को अपने क्या करना है v लेट करना है, ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस y dx प्लस dy इक्वल्स टू dx माइनस dy, बेटा एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ना बहुत स्पेशल मार्क कर दो, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ढंग से सॉल्व करना है इसको, x माइनस y dx अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या देखते हैं, dx माइनस dy, dy पहली बात तो एक dy है, x माइनस y dy प्लस dy और dx एक तरफ कर लो माइनस x माइनस y और ये dx, सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है dy कॉमन है, x माइनस y प्लस 1 एंड dy, यहां भी dx कॉमन आ रहा है 1 माइनस x माइनस y एंड dx, फाइनली dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y अपॉन x माइनस y
प्लस वन। बेटा इसमें देखो बहुत ही अलग से है क्वेश्चन, इसमें ये स्पेशल केस है, x माइनस वाई को हम क्या करेंगे इसमें v दे देंगे, t ले लो बोलिए v ले लो, कोई इश्यू नहीं है। अब आप इसको डिफरेंशियल करें, x का तो 1 हो जाएगा और ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, ट्रांसफर कर लें 1 माइनस dv अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx की वैल्यू इसमें शिफ्ट करते हैं, 1 माइनस dv अपॉन dx इज इक्वल टू, तो 1 माइनस x माइनस y का v हो जाएगा और ये हमारे पास 1 प्लस v। बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन, 1 माइनस v इज इक्वल टू dv अपॉन dx, ये ट्रांसफर कर दिया हमने, एलसीएम ले लो 1 प्लस v माइनस 1 n प्लस v इज इक्वल टू dv अपॉन dx, क्या क्या एलसीएम दिया 1 प्लस v माइनस 1 n प्लस v, 1 एंड 1 बहुत कैंसिल। देन फाइनली dv अपॉन dx इज इक्वल टू v एंड v 2v अपॉन 1 प्लस v, क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में आ गया अपन, dv इज इक्वल टू 2 एंड dx, इंडिविजुअल लिखे आप इसको 1 अपॉन v प्लस v अपॉन v तो 1 हो जाएगा, dv 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 अपॉन v का log v प्लस 1 का v हो जाएगा, 2 इसका x हो जाएगा और ये प्लस c, v की वैल्यू डाल दें, v की वैल्यू कितनी ली थी अपन ने, देखो v की वैल्यू यहां पर y पर x भूल जाना, ऐसा नहीं वो लिख दो x माइनस y, x माइनस y प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 2x प्लस c, इन सबको उधर शिफ्ट कर दो, log ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 2x माइनस x एंड प्लस y प्लस c, एंड log ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू x प्लस y एंड प्लस c। अगर आपके log में आंसर प्रेफर करते हो तो आपके इसका आपके परफेक्ट आंसर आप सामने है, और अगर आपको log हटाना है तो e की पावर में कन्वर्जन भी दे सकते हैं, तो दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? ये बेटा बात कर रहा है स्पेशल क्वेश्चन है, x माइनस y को अगर v लेट नहीं करते हैं तो इसका आंसर थोड़ा सा परेशानी से आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, e to the power minus 2 root x upon root x minus y root x or dx upon dy is equal to 1, इसको ना आपके सामने ऐसे लिखा है कंफ्यूजन लेने के लिए dx upon dy लिखा है, इस क्वेश्चन को अपन dy upon dx में कन्वर्ट कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy upon dx is equal to e to the power minus 2 root x upon root x माइनस वाई अपॉन टू एक्स, क्या क्या वाई और इधर डी एक्स आ गया, बाकी से हमें इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, बहुत सिंपल बात है। देखो हमने कौन सी फॉर्म बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम p कह सकते हैं और इस पूरी वैल्यू को q कह सकते हैं, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, याद है क्या दिमाग बत्ती चली, if का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स और dx इसका हो जाएगा 2 रूट एक्स, देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y into if integration of if into q into dx, so if kita ho jayega 2 root x e to the power 2 root x aur q ki value q ka par dekho wo bada e to the power minus 2 root x upon root x and dx, ye to cancel ho jayenge और फाइनली
y e to the power 2 root x is equals to 1 upon root x or a dx. Y e to the power 2 root x is greater than 2 root x and plus c. ये रिक्वेस्ट क्वेश्चन है ना, क्या स्पेशल चीज थी, dx upon dy दे रखा था, dy upon dx का मुझे कन्वर्ट करके इसका आंसर अचीव करना था, ठीक है ना। बहुत ध्यान से इसको, अगर dy upon dx नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा dy upon dx करना है, इसलिए देखो y से एक बार आएगा तो अपन इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। y अगर सिर्फ एक बार आया है इसलिए अपन इसको इस फॉर्म की बत्ती जला लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, dy upon dx plus y cot x is equal to 4x cos x, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन गई। ये वैल्यू हो गई p की और ये वैल्यू हो गई q की, तो इसमें आई है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, यानी cot का कितना होता है log sin x बेस e और i फॉर dx sin, देन सॉल्यूशन हो जाएगा y इनटू sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i f की वैल्यू sin x 4x इनटू cos q की वैल्यू ना cos x, तो sin और cos x तो वन हो गया, फाइनली मेरे पास कितना आ गया 4x dx, 4 तो कांस्टेंट है x का x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस c y sin x, देन y sin x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। अब इट इसमें ना ये तो जनरल सॉल्यूशन है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे कुछ बात है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 बाय 2 डालो, देखिए y की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 2 इनटू 5 स्क्वायर अपॉन 4 x स्क्वायर है ना एंड प्लस c, तो ये हमारे पास में कैंसल आउट, देन सी की वैल्यू होगी माइनस ऑफ 5 स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, y sin x is equal to 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस 1 डिवाइड अपॉन dx is equal to 2 y to the power minus e to the power minus y minus 1, the x equal to 0 y equal to 0 पे solve करना है, तो simple सा दिख रहा है बेटा, variable separation लग रहा है इसके, तो ये तो आ जाएगा form में 2 e to the power minus y minus 1 dy is equal to 1 upon x plus 1 और ये dx integral लग रहा है, integration of 1 upon ये अपॉन आ जाएगा और एलसीएम हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया e की पावर y और यहाँ ऊपर आ जाएगा e की पावर y, क्लियर। और ये dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 ऑफ dx, देखो इसका डिफरेंशियल मुझे ऊपर मिलने के चांसेस बन रहे हैं बट एक माइनस की प्रॉब्लम आ रही है, तो माइनस इस तरफ भी लगा देते हैं यहां भी लगा देते हैं, अब देखो इसका पूरा पूरा डिफरेंशियल ऊपर अवेलेबल है, समझ सकते हैं इसको, लॉग ऑफ कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन एफ है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो लॉग ऑफ दिस फंक्शन ई वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वन एंड प्लस सी, अब सी की वैल्यू पहले निकालना ज्यादा बेटर रहेगा, पुट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, log 1 0, यहां पर भी सेम log 1 0 हो जाएगा एंड प्लस c में c की वैल्यू कितनी आई 0 आई, वैल्यू पुट कर दो इसमें log ऑफ 2 माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस 1, वो तो 0 हो गया, c की वैल्यू इसको इस तरफ सेट कर दो तो मेरे पास आएगा log ऑफ 2 माइनस e टू द पावर y प्लस
log of x plus 1 is equal to 0. Log m into n 2 minus e to the power y and x plus 1 और log of x number 3 e to the power 0. e to the power 0 कितनी होती है? 1 होती है. 2 minus e to the power y and x plus 1 is equal to 1. ये हमारे पास में इसका आंसर अच्छी हो गया मेरे को. और अगर आप उस अगर e की पावर y पे अगर आपको आंसर नहीं देना है तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना. तो कन्वर्ट करने के लिए इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं. तो 2 minus e की पावर y, अब इसको आप ना एक तो ये आंसर देंगे थोड़ा सा और ढंग से लिखना चाहते हैं तो इसको क्या करोगे, 2 minus e की पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x plus 1. e to the power y को उधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर लें. 2 minus x plus 1 एलसीएम इज x plus 1 एंड 2x plus 2 minus 1 e to the power y. 2 minus 1 1 हो जाएगा तो 2x plus 1 x plus 1 इज इक्वल टू e to the power y. उधर log ले लो y इज इक्वल टू हो जाएगा log of 2x plus 1 upon x plus 1. ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया.